नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। जोशीमठ में आपदा पीड़ितों को मुआवजे को लेकर एक बार फिर से सरकार और विपक्ष आमने सामने है। जहां सरकार ने बीते शुक्रवार को कैबिनेट में फैसला लेते हुए जोशीमठ में आपदा पीड़ितों को बाजार भाव पर मुआवजा देने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने आज उनके इस फैसले से नाराज होकर कहा कि सरकार उन आपदा पीड़ितों का मजाक उड़ा रही है, जबकि सरकार को उन आपदा पीड़ितों को भी बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा देना चाहिए था। और कैबिनेट में ना तो सरकार ने यह बताया कि किस बाजार भाव पर मुआवजा दिया जाएगा और ना ही मुआवजे की राशि साफ की है। ऐसे में सरकार का दोहरा चेहरा नजर आ रहा है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि राज्य सरकार आपदा पीड़ितों के साथ है और कांग्रेस इस पर राजनीति करने की लगातार कोशिश कर रही है। ऐसे में सुनते हैं कि गणेश गोदियाल, जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, उन्होंने क्या कुछ कहा और इस पर किस तरह से संजीव वर्मा सह मीडिया प्रभारी बीजेपी के कटाक्ष कर रहे हैं। है जिसमें से पहला बिंदु यह है कि सरकार की कल हुई कैबिनेट से हमें ये बहुत उम्मीद थी कि सरकार कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले करेगी और उस महत्वपूर्ण फैसले के तहत जोशीमठ के हमारे प्रभावित भाइयों की ये जो प्रमुख मांग है कि उनका कंपनसेशन बद्रीनाथ में जो कंपनसेशन दिया जा रहा है उसकी तर्ज पर हो, ये बड़ा मायूस करने वाला फैसला ये सुनकर कि कल की कैबिनेट की बैठक में सरकार ने इस आशय का कोई प्रस्ताव सिर्फ ये बोलकर अपने फर्ज की इतिश्री कर दी कि जो वहाँ पर जो रेट चल रहे हैं अभी बाजार भाव चल रहे हैं, उस बाजार भाव के आधार पर बाजार भाव क्या होगा वो डिक्लेयर नहीं किया। तो सरकार ने गोलमोल बात की, इससे वहाँ के लोग मायूस हुए हैं और हम स्वयं मायूस हुए हैं। मैं आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो केदारनाथ के आपदा पीड़ितों की पीड़ा को उसका संज्ञान लें। मात्र रोजाना जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, लगातार इस प्रकार की बातों का अनर्गल प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिससे एक माहौल को खराब करना कांग्रेस चाहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है, पहले तो उन्होंने अपना स्वयं का एक माह का वेतन जोशीमठ के पीड़ितों के नाम अपना दिया है और साथ ही आह्वान किया है कि सभी विधायक, सभी मंत्री और सभी सांसद जोशीमठ आपदा में अपना पूरा योगदान दें, अपना वेतन एक माह का वेतन दें। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के भी किसी विधायक ने अपना वेतन दिया क्या, या कोरी राजनीति आप लोग करना चाहते हैं? जोशीमठ में जहां एक तरफ लोग त्रासदी में जी रहे हैं, लोगों की आंखों के आंसू खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, अपने आशियाने को छोड़कर लोग जाने के लिए मजबूर हैं लेकिन जाना नहीं चाहते, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमने सालों साल अपने घर को संजोया है, अपने घर की एक एक नींव रखी है, हम ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं। लेकिन वहां रहना भी खतरे से खतरनाक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर खूब राजनीति हो रही है। जहां एक तरफ सरकार ये कह रही है कि हम पीड़ितों के साथ हैं, पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें हर एक मदद, संभव मदद जो होती है वो मिल जाए, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार वो मदद पीड़ितों को नहीं पहुंचा पा रही है और सिर्फ खानापूर्ति करती हुई नजर आ रही है। अब आपदा पीड़ित पर सरकार और विपक्ष आमने सामने हैं। शुक्रवार को कैबिनेट में फैसला लेते हुए जोशीमठ में आपदा पीड़ितों की बाजार भाव पर मुआवजा देने की बात कही गई थी। पहले 4,500 रुपए की बात हुई, उसके बाद 1,50,000 रुपए की बात हुई और उसके बाद फिर से एक कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि आपदा पीड़ितों को बाजार भाव पर मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने उनके इस फैसले से नाराज होकर कहा कि सरकार उन आपदा पीड़ितों का मजाक उड़ा रही है, सरकार को उन आपदा पीड़ितों को बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजा देना चाहिए। ना तो ये कांग्रेस को रास आ रहा है, ना ये बीजेपी को रास आ रहा है, लेकिन इन दोनों की राजनीति में जो आम जनता है, जो जोशीमठ का अस्तित्व है, वो कहीं ना कहीं खतरे की जद में जा रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र वाल्मीकि जी बीजेपी से है, लक्ष्मी अग्रवाल जी कांग्रेस से, वहीं हेमा भंडारी जी आम आदमी पार्टी से। आप तीनों का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल लक्ष्मी जी आपसे होगा, क्योंकि सवाल आज आप उठा रही हैं। पहले आप कहती हैं कि मुआवजा दीजिए,
जब मुआवजे को लेकर कैबिनेट में फैसला आ जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं, बद्रीनाथ की तर्ज पर मिलना चाहिए। पहले तो राजनीति क्यों हो रही है इसमें? ये राजनीति करने की जरूरत है या जगह है या मुद्दा है या कोई भी मसला है राजनीति का? काजोल जी, पहले तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि राजनीति में आपको ये कहना भी नहीं चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम है, सरकार ने हमें विपक्ष में बिठाया है तो इसीलिए बिठाया है कि सरकार की जो कारगुजारियां हैं, जो सरकार की जनता के प्रति जो जवाबदेही, उसमें जहां कमी होती है तो विपक्ष काम है उसको उठाना। और आज जितने संवेदनशील इशू पे पूरे आज खाली उत्तराखंड नहीं, पूरे देश और दुनिया की नजरें इस पूरा देश रो रहा है मैम, पूरा देश, जिस तरह से लोगों पूरे 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 देश की भावनाएं और संवेदनाएं आज उसमट के लोगों के साथ है। और ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जहां पूरा देश और दुनिया के लोगों की संवेदनाएं आज जोशीमठ के साथ है, यहाँ की भाजपा सरकार की संवेदनहीनता जो है उसकी प्रकाशता होती जा रही है। आपने कहा कि कैबिनेट में मुआवजा तय, क्या आप मुझे बताएंगे कि कितना मुआवजा तय किया, कितना मुआवजा तय किया सरकार ने? मुझे इस यहाँ पे बताइए कि आज जो इतने सरकार तो बिना मुआवजा तय के कैबिनेट के आनंद फानंद में उनको बैठक बुलानी पड़ी, जब दो दिन पहले माननीय हरीश रावत जी ने कि अगर सरकार 24 घंटे के अंदर वहां के लोगों को मुआवजा नहीं देती, वहां के लोगों के पीड़ा को नहीं समझती और लोगों के मकान को तोड़ने, होटल्स को तोड़ने के लिए वहां पे बुलडोजर जैसी भी मशीनें पहुंच जाती है बिना मुआवजा तय। ठीक है, ठीक है लक्ष्मी जी, ठीक है, विपक्ष में है आपका पूरा, आपका पूरा राइट है कि आप तमाम मसलों को लेकर आवाज उठाए, जनता की आवाज बने। लक्ष्मी जी एक सेकेंड, हम यही लक्ष्मी जी, बस एक सवाल ये है, आपका पूरा राइट है कि आप आवाज उठा रहे, बहुत अच्छी बात है विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन जो आरोप लग रहे हैं वो राजनीति के लग रहे हैं, चलिए इसे भी हटा दीजिए। सवाल ये है कि अगर आप सत्ता में होते तो आप क्या कदम उठाते? और आपके समय में भी ये बहुत बड़ा मसला था, ये 2 साल पहले या 6 साल पहले का मसला नहीं है, आप तो मेरे से बेहतर जानती हैं। काजोल जी देखिए, सबसे बड़ी बात तो जो सत्ता में होता है वो लक्ष्मी जी आगे कंटिन्यू करेंगे बात को, लेकिन आप अपना फ्रेम थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। लक्ष्मी जी फ्रेम हमारे समय में, मैं आपको बताया, मैंने पहले भी ठीक कहा था कि हम, आपकी आवाज मुझे प्रॉपर नहीं आ रही काजल। लक्ष्मी जी जो फ्रेम है ना आपका, उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। हाँ आप ठीक है, तो मैं यही कह रही हूँ काजोल जी कि जिस तरह से हमारे टाइम पे हमने कहा ना, जब उत्तरकाशी में जब आपदा आई थी और जिस तरह से वहां पे ये हुआ था, उस समय केंद्र के वहां पे 3 बड़े प्रोजेक्ट चल रहे थे, मैंने इससे पहले भी कहा है, और जिनमें एक में 80% काम पूरा हो गया था, एक में 60% काम पूरा हुआ था, एक की शुरुआत थी। केंद्र सरकार ने तुरंत उन 3 उस पर रोक लगाई और वहां के लोगों को पूरा पूरा मुआवजा कंपनसेशन वहां पे दिया। हम यही तो मांग कर रहे हैं, अरे जोशीमठ का अस्तित्व तो खतरे में, वो धीरे धीरे रविंद्र जी, लक्ष्मी जी कह रहे हैं कि आप मंत्री की ड्यूटी लगाइए ना, आप सिर्फ जाते हैं, आश्वासन देते हैं, पीठ थपथपाते हैं, लेकिन आ जाते हैं, उन लोगों का दुख आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। आनंद फानंद में कैबिनेट की मीटिंग रख दी गई, एक राशि तय नहीं की गई है, ये आरोप भी लगा रही हैं वो राशि तो तय होनी चाहिए ना, और बात जायज है। देखिए बात यहाँ कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात है उन जोशीमठ के लोगों की जो सालों सालों से बसे हुए हैं और आज अपना घर छोड़ने के लिए, अपना कारोबार छोड़ने के लिए, अपना बचपन छोड़ने के लिए, अपना बढ़ापा छोड़ने के लिए मजबूर है। सर अनम्यूट करिएगा। काजोल जी ये बिल्कुल सही है, ये बड़ा पीड़ादायी वक्त है और किसी भी परिवार के लिए और परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, उसका घर के साथ एक एक अजीब रिश्ता होता है, एक नाता होता है, और ऐसे समय में जब उसके आंखों के सामने उसका आशियाना रहने लायक नहीं रहा है, तो ये पीड़ा को हम समझ सकते हैं, उनकी मनोस्थिति भी समझ सकते हैं ऐसे परिवारों की। ऐसे परिवारों के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, पूरी सरकार उनके साथ है। तो फिर लोग नारेबाजी क्यों कर रहे हैं आपके खिलाफ, एनटीपीसी के खिलाफ नारेबाजी क्यों हो रही है सर, जब आप सुन लीजिए लोगों के साथ है। सुन लीजिए, ये पीड़ादायक वक्त है और ये नाराजगी बिल्कुल उनकी जायज है, और ये नाराजगी
हम स्वीकार करते हैं, इसमें कोई कहने में हमें बुरी नहीं है। जब किसी के साथ कष्ट आता है तो उसकी ये नाराजगी होती है, लेकिन इस कष्ट को दूर कराने के लिए ही शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को एक बार फिर जो है जनता ने चुना है। तो आप ये समझिए, देखिए आपने बड़ा अच्छा बताया, ये 1976 में आई रिपोर्ट के बाद से आई है। मैं थोड़ा सा 10 सेकंड लूंगा। जिस समय ये रिपोर्ट बनी थी उस समय एक छत्र राज सिर्फ एक ही पार्टी का होता था और पूरा समय इनका राज रहा एक लंबे समय तक। 90 के दशक के बाद कुछ चीजें परिवर्तित होने लगी, तब जाके दूसरे लोगों का राज आने लगा, उनके सारी होने लगी। और दूसरी एक चीज और मैं बताऊंगा, देखिए जितने भी प्रोजेक्टों पे काम हो रहा है, आप एनटीपीसी का लगा लीजिए या ऑल वेदर रोड का, ये जितने भी प्रोजेक्ट है रेलवे लाइन का हो, ये यही कांग्रेस के प्रवक्ता आज से पहले जब हम इनके बारे में कहते हैं। रविंद्र जी एक लाइन ऐड करना चाहूंगी, और कल हमने चर्चा भी की है इस वाक्य के साथ ही की है, पूरी चर्चा हमारी एक घंटे की देश की बात में इसी वाक्य पे रही है। स्वर्गीय सुषमा स्वराज, उन्होंने बहुत सालों पहले जब केदार त्रासदी हुई थी उस समय संसद में एक बयान दिया था, वो बयान आजकल सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वो बयान ये था कि हम पहाड़ों पर खूब काम कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जितना खर्च हम आज विकास पर कर रहे हैं उससे डबल खर्च हमें करना होगा जब प्रकृति विनाश का रूप ले लेगी। और आज क्या हो रहा है, आज वही त्रासदी। आप ही की पूर्व केंद्रीय मंत्रियों में भारतीय चिंता जताती आई है, सरकार क्यों नहीं जागी? जब आप सत्ता में है तो सब ठीक, जब कांग्रेस सत्ता में है तो सब गलत। ये अलग अलग नजरिया, अलग अलग चश्मा क्यों? नहीं काजल जी, मैं कोई नजरिए की बात नहीं कर रहा हूं। देखिए समय समय पे जैसी रिपोर्टें या जिसका बयान, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और लोकतंत्र में सबका अधिकार है अपनी बात कहने का, चाहे माननीय हमारी बड़ी नेता सुषमा जी हो, चाहे आज की उमा भारती जी हो, सबको अधिकार है अपनी बात कहने का और रखने का। लेकिन मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ जब ये प्रोजेक्ट सारे लग रहे थे तो ये पीठ थपथपाते थे, कहते थे नहीं भाई ये हमारे राज में हुए हैं, ये तो मोदी जी अपना नाम ले रहे हैं हमारे बनाए हुए प्रोजेक्टों का। अगर ऐसा ही स्थिति थी तो इन प्रोजेक्टों के रिबन क्यों काटे, इनकी नींवें क्यों रखी? हाँ, तो गलती दोनों सरकारों की है ना, किसी एक को हम तो एक को हम गलत बता ही नहीं रहे हैं। दस सेकंड में, हाँ बिल्कुल, मेरी बात कंप्लीट होगी, वे टूट जाता है। तो देखिए आज जब ये स्थिति आ गई है, देखिए अभी भी मैं आपको कह रहा हूं किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी एनटीपीसी का या किसी भी प्रकार की ऐसी उसका अभी जांच की रिपोर्ट नहीं आई है, सबकी स्वयं अपनी भी एनटीपीसी अपनी जांच करा रहा है और भू वैज्ञानिक कई तरीके की रिपोर्टें आनी अभी बाकी है कि क्या कारण है, किस कारण से ये जो है इतनी तेजी से आए। लेकिन रही बात इसकी, देखिए मैं आता हूँ वापिस वही आपदा को लेके, आप मुआवजे को लेके आज आपने जो बहस रखी है, देखिए मुआवजे को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ कहा है कि जो बाजार रेट तय होगा और वहाँ के स्थानीय समिति जो लोगों को समझ नहीं आ रहा ना कि बाजार रेट क्या है, वो चीजें लोगों के सामने आनी चाहिए ना सर। सुन लीजिए, देखिए पूरा बयान नहीं है ना तो फिर उसका मजा नहीं आता। देखिए क्या होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट है कि वहां की जो स्थानीय समिति बनी है, जो आवासीय जो लोग रहते हैं उनसे तय करके बाजार मूल्य और उनसे तय करके स्थान चयन और उनका मुआवजा, ये सब तय होने के बाद आपको जो है इसके बारे में विषय में बता दिया जाएगा। लेकिन आज आप ये कहें कि जी आज बता दो, देखिए मैं सिर्फ एक बात और जोड़ना चाहूंगा, नहीं मैं तो आपसे कह ही नहीं रही कि आज बता दीजिए। प्रधानमंत्री सुन लीजिए ना, पीएमओ लगातार नजर रखे हुए, जहां प्रधानमंत्री सबको घर देने की बात करते हैं जिनके पास घर नहीं है, सर जल्दी से कंप्लीट करें, मुझे हेमा जी के पास भी जाना है, बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, उनको घर ना मिले। ठीक है हेमा जी, जब एक घर बनता है पुरुष मकान बनाता है, लेकिन एक मकान को घर महिला बनाती है। तीन महिलाएं चर्चा में है, गृहिणी आप दोनों गृहिणी हैं, वो दर्द वो पीड़ा आप महसूस कर सकती हैं हेमा जी, जो आज उत्तराखंड की वो महिलाएं, जोशीमठ की वो महिलाएं महसूस कर रही हैं। भले ही जोशीमठ का मामला हो, लेकिन पूरी देश की महिलाएं वो महसूस कर सकती हैं कि अपना घर छोड़ना, अपने परिवार को यूं सड़कों पर देखना कितना दर्द होता है। देखिए काजल जी, ये तो बहुत ही पीड़ादायक इस समय स्थिति बनी हुई है जोशीमठ की, और लगातार देखिए 22 वर्षों से उत्तराखंड में भाजपा ने, कांग्रेस ने, दोनों ने शासन किया और
उत्तराखंड की जो स्थिति, जो पहाड़ों की स्थिति है वो इतनी दयनीय, बद से बदतर स्थिति जो होती चली जा रही है, तो इसमें जो है पता चलता है कि सरकार ने कितना उस उत्तराखंड की तरफ ध्यान दिया, कितना पलायन को रोकने की कोशिश की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले तो प्रदेश से झूठ बोला कि मात्र 30% भूस्खलन, जोशीमठ भूस्खलन की जद में है, जबकि अब जो रिपोर्ट आई है कि पूरा का पूरा जोशीमठ ही भूस्खलन की जद में है। तो ये की सरकार की लापरवाही की रिपोर्ट आप देखेंगे, इसरो ने, इसरो की सैटेलाइट ने जो फोटोज क्लिक की है जोशीमठ की, उसे देखकर हर कोई डर गया है। साफ तौर पर इसरो ने कहा है कि और ज्यादा डरावनी स्थिति आने वाले समय में होने वाली है अगर जल्द से जल्द वहां लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया, सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचाया गया। जी जी काजल जी, और देखिए सरकार की लापरवाही देखिए कि आंख मूंद के सरकार बैठी रही, इससे बड़ा हास्यपद क्या होगा कि शंकराचार्य जी को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है तब जाके सरकार जाग रही है। और आप देखिए ना, जो मुख्यमंत्री धामी जी जितने भी भाषण देते हैं उसमें बड़े उन भाषणों में अधिकतर होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा वो कहा, लेकिन आप देखिए ना प्रधानमंत्री मोदी जी के मुख से मन की बात में जोशीमठ की पीड़ा क्यों नजर नहीं आई, पहाड़ों की पीड़ा क्यों नजर नहीं आई, वाल्मीकि जी से पहाड़ों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों, देखिए इस तरह का सौतेला व्यवहार, क्योंकि पहाड़ वासियों के लिए जोशीमठ भद्दा मजाक सरकार कर रही है। अभी तक 800 परिवार बेघर हो गए हैं और सरकार का कहना था कि बाजार के भाव में मुआवजा देगी, और जो 45 करोड़ रुपए की जो राशि है, क्या वो लगता है कि वो राशि जो है ये 800 परिवारों के लिए बिल्कुल सही राशि है, क्योंकि एक परिवार को 1 करोड़ मिनिमम जो राशि दी जानी थी, और अभी तक तो देखिए मुआवजे की जो राशि कितनी होगी अभी तक ये भी साफ नहीं है कि किस परिवार को कितना होगा, और ये परिवार को सरकार राहत राशि देगी या उन्हें विस्थापित करेगी ये भी अभी तक तय नहीं है। क्या पैमाना रहेगा, क्या बाजार रेट के मापदंड पे देने का इनका क्या पैमाना रहेगा, ये भी अभी तक तय नहीं है। और ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, यही तो सवाल है ना, कांग्रेस से सवाल करो तो कांग्रेस के सवाल चुप जाते हैं, बीजेपी से करो तो बीजेपी के सवाल चुप जाते हैं, तो किससे पूछे, किससे पूछे, आम आदमी पार्टी से पूछे क्या? देखिए धामी जी को इतना भी नहीं है कि केंद्र से, केंद्र में इनकी सरकार बैठी हुई है, क्या वो उत्तराखंड के लिए, क्या जोशीमठ के लिए की सरकार नहीं दिला सकते, क्या उत्तराखंड सरकार कर्जे में डूबी हुई है, कहां से देंगे, खामियाजा भुगत रहा है जोशीमठ। मैं काजल जी भाजपा के प्रवक्ता से एक बात पूछूंगी कि ये बताएं कि ये इसे दैविक आपदा घोषित करेंगे, एनटीपीसी आपदा घोषित करेंगे, या इसे मानवीय आपदा घोषित करेंगे, किस तरह से करेंगे? आप देखिए वहां पर एक आवासीय भवन हो गया, दूसरा व्यावसायिक भवन हो गया, तीसरा खेती बाड़ी हो गई, चौथा वहां पर पशु हो गए, तो ये क्या, ये सब चीजें किस, ठीक है हेमा जी आ रही हूँ आपके पास, कहां पर इनको बसाया जाएगा, किस तरह से ये उसका वो करेंगे, अभी तक ये स्थिति साफ भाजपा सरकार ने नहीं की है। ठीक है हेमा जी, ठीक है वापस लौटूंगी आपके पास। लक्ष्मी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, लक्ष्मी जी क्या कहना चाह रही हैं आप? काजोल जी, मैं अभी रवि जी की बातों को सुन रही थी और मैं सरकार की संवेदनशीलता, मैं जो बीत रहा है उस पर बात नहीं करूंगी, बल्कि मैं आगे इनसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज इतने दिन बीतने के बाद आपने अभी तक वहां पे मुआवजा की राशि तय नहीं की, वहां पशुधन आपने देखा कि आज इतनी भारी यहाँ बारिश और बर्फबारी चक्रवात ऊपरी पहाड़ी क्षेत्रों में हुई है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन लोगों का हाल क्या होगा? वो जो ये सवाल आपका, ये सवाल आपका कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते है, अभी तक बनाए गए, ये सवाल आपका कांग्रेस प्रवक्ता होने के नाते है या एक महिला होने के नाते है, क्योंकि अभी बात इंसानियत की हो रही है। काजोल जी इंसानियत की बात हो रही है, इसीलिए मैंने इंसानियत की बात की है कि आज इतनी भरी बर्फबारी जब वहां पे हुई है, यहाँ पे इतनी बारिश हुई है, तो लोग कैसे अपना जीवन सड़कों पे व्यतीत कर रहे होंगे, लोगों के साथ साथ वहां पे पशुधन है, लोगों की गाय भैंस बकरी जो उनके जीवन यापन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे, आज वो किस तरह से खुले आसमान की छत के नीचे रह रहे होंगे, क्या वो वहां के लोग जो स्वास्थ्य सुविधाओं का अभी तक सरकार ने क्या किया वहां पे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, उनके बच्चों जिनके रोजगार छीन रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि
एक विपक्ष जब समय मांग रहा मुख्यमंत्री जी से, जो वहां से होके आया, जो रात बिता के आया, और जब मुख्यमंत्री जी के पास 5 मिनट का समय विपक्ष को देने के लिए नहीं, उनके भी सवाल सारे ठीक है लक्ष्मी जी, लेकिन यही सवाल आप पर भी आते हैं। उनकी जो उंगली आप बीजेपी की तरफ उठा रही हैं, आज वो उंगली आप पर भी उठ रही है काजोल जी। मुझे लगता है आप ऐसा कीजिए, आप भाजपा प्रवक्ता बन जाइए। आप जब मैं बोलती हूँ तो आप बीच बीच में इंटरप्ट करती हैं। हम यही तो कह रहे हैं, आज तक जो एनडीए का हुआ था, आज तक वो करार पूरा नहीं हो पाया, तो सरकार किसी उसपे तो खरी उतरे, वहां के लोगों को मुआवजा, लोगों को एक आश्वासन ढांढस तो बंधाए। वो लोग बिल्कुल एक तरह से वैसे सड़क पे आ रखे, उनको कोई उनके घर तोड़ने के लिए आपने आदेश दे दिए, लोगों ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, तो आपने कहा कि नहीं मुआवजा तय होगा। ठीक है, इसमें इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? आपने मात्र 4,000 रुपए से 5,000 रुपए आपने, अच्छा मुझे मैं रविंद्र से पूछना चाहती हूँ, आपने कल कैबिनेट की बैठक किस लिए बुलाई? आपने क्या इसलिए बुलाई कि सिर्फ 4,000 दे रहे थे, अब उनको 5,000 कर दिया जाए? आपको शर्म नहीं आती कि आप एक चुनी हुई सरकार है, इस लोगों को यहाँ के लक्ष्मी जी उत्तराखंड के लोगों की जो कष्ट है उनसे आपको कोई लेना देना नहीं है? अरे 5,000 रुपए तो अगर आदमी अगर आप वहां से गाड़ी करके देहरादून से आएगा तो इतना किराया है उसका? और कुछ आपसे पूछ लूं, कम से कम उनको इतना मुआवजा तो दीजिए। लक्ष्मी जी आपकी बात ठीक है, मैंने कभी नहीं कहा, सुनिए आप सुनिए, जो वहां पे कैंप लगा है वहां बच्चों के लिए ना दूध है ना खाने के लिए पानी, महिलाएं रो रही हैं। लक्ष्मी जी मेरी बात सुनिए, आपकी बात सारी ठीक है, मैंने कब कहा कि आपकी बात गलत है? आप सवाल करिए, विपक्ष में हैं और एज अ महिला भी आप पूछ सकती हैं, लेकिन आपसे भी सवाल उठते हैं। सवाल ये 1976 से पूरा मामला उठता आ रहा है, केंद्र में भी कांग्रेस रही, उत्तराखंड में भी कांग्रेस रही, तब क्यों नहीं एक्शन लिया गया? तब क्या लगा कि नहीं प्राकृतिक आपदा आएगी तब हम देखेंगे, तब देखा जाएगा, ऐसा कुछ? जब मनमोहन सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे 2005 में, आप देखिए उन्होंने अमेंडमेंट किया था, उस समय आपदा आ जाती थी उसके बचाव के बाद वो कह रहा था, उन्होंने प्रिवेंशन देन की और उन्होंने कहा कि नहीं उसके आपदा आने से पहले जो है उसके खतरों को भाग लिया जाए। और मैं तो इनसे पूछना चाहती हूँ कि 2013 में जब सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी, 2019 में जो कमेटी बनी थी उसने जो संस्तुति दी थी कि आप फैलंग और मलारी जो बाईपास बन रहा है उस पे वन वे कीजिए, आप वन वे कीजिए उसको, सरकार ने कितना सुना? और आज भी अब कुछ दिन पहले तक एनटीपीसी के टनल जो लोग वहां पे 8-10 सालों से भू रिसाव हो रहा है उस पे रोक नहीं लगाई गई। और सबसे बड़ी बात तो देखिए ना काजोल जी, जो वहां के 2 साल से वहां के ग्रामीण में, इस चीज को बार बार इसलिए कह रही हूँ, आप भाजपा संवेदनशीलता की बात करके, वहां भाजपा के विधायक जो थे उस समय 2021 में महेंद्र भट्ट जी जो आज पूरे भाजपा के यहाँ पे अध्यक्ष बने बैठे हैं, और केंद्र में इनकी सरकार इतने टाइम से और राज्य में इतनी सरकार है, उन्होंने नहली ग्रामीणों की, ग्रामीण डीएम के दल भटकते रहे, और वहां के वो जो हमारे काबीना मंत्री है कांग्रेस के राजेंद्र भंडारी जी, जब सीएम से समय मांगते हैं वहां के लोगों की स्थिति को बताने के लिए, तो मात्र उनको 30 सेकंड का समय जनता दरबार में दिया जाता है। संवेदनशीलता दर्शाती है आपके सवाल, आपके सवाल है, रविंद्र जी से जवाब भी ले लेते हैं क्योंकि रविंद्र जी को बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। पहले तो लक्ष्मी जी की सारी बातें आपने सुनी होंगी, हेमा जी की सारी बातें आपने सुन ली है, अब एक एक करके आप जवाब दीजिए क्योंकि आप सत्ता में आप ही हैं, तो जवाबदेही आपकी ही है। देखिए मैं चाहूंगा कि मुझे इंटरप्ट ना किया जाए और बीच में कोई टोका टाकी ना करे। देखिए हमारी बहन आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता ने पूछा कि आपदा कौन सी घोषित करेंगे, मैं कहूंगा ये मानसिक आपदा है विपक्ष की, जो तेरे ये जो लोगों को भड़काने के लिए, और इस चैनल पर बैठ के देखिए किस तरीके की बात करें। देखिए हेमा जी ने कहा कि बेघर होने के नाते भी सवाल किए हैं सर, देखिए ना ये मानसिक आपदा नहीं, गलत बात कहेंगे, मानसिक आपदा नहीं, आप लोगों की बुलाई भी आपदा है, बेघर नहीं हुए भाई जी, बेघर नहीं हुए क्या वहाँ के लोग, बेघर नहीं हुए क्या? आप ऐसे ऐसे नहीं कर सकते ना सर, आप ऐसा जवाब नहीं दे सकते, जवाब आप सही दे जो आप मानसिक आपदा नहीं, आपके सवाल के जवाब भी पूछे जाएंगे ना, उत्तराखंड में आपके सवाल भी पूछे जाएंगे, दो महिलाएं भारत की सही है, उत्तराखंड की ही है, दर्द समझ सकती है उन महिलाओं का, तिनका तिनका बिखरते वो देख रही है अपने घर का, सवाल भी नहीं पूछ सकती आप? आप बेघर समझती है किसे कहते हैं?
आप बेघर कह रही है, बेघर हो गए वो लोग, बेघर हो गए। आप बेघर किसे कहती है? आप कह रही है सड़क पे आ गए, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही है सड़क पे आ गए। वहां सरकार नहीं समझ आएगा। आप मानसिक आपदा से बाहर आइए, आपकी जो मानसिक आपदा, आपकी जो जुमलेबाजी अभी सत्ताधारी पार्टी सिर्फ और सिर्फ चार शब्द कह रही है। लगातार हम इस पर नजर भी बनाए हुए हैं, लेकिन हर बार चर्चा में सिर्फ चार शब्द सुनाई देते हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जोशी मठ पर मुआवजे को लेकर एक बार फिर से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है, कांग्रेस धड़ाधड़ आरोप लगा रही है, लेकिन बीजेपी अभी फिलहाल पूरी तरह से प्रोटेक्टिव मोड में नजर आ रही है, अपने आप को बचाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। लेकिन कांग्रेस के सवाल है, विपक्ष के सवाल है कि वो लोग जो 600 से ज्यादा परिवार हैं, वो आखिर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है, अपने आशियाने को टूटते भी देख रहे हैं। ऐसे में क्या सिर्फ चंद हजार रुपए का मुआवजे का मरहम लगा देना काफी है? फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।